इकरारुल हसन ने अपने बेटे की कसम खाई थी अच्छा। इकरारुल हसन ने अपने बेटे की कसम खा के इमरान भाई को बोला था कि मुझे इन चीजों का नहीं पता था तो भाई ने बोला कि यार अगर आपको नहीं पता तो मुझसे पूछ लो यार आप मतलब जो भी कर रहे हो।, ये तो हो गया ये वाला ये बंदा दो महीने बाद जाता है ये पॉइंटर कुत्ता यह इसकी कोई पॉइंटर कुत्ते वाली तरबियत है माजरत के साथ दो महीने बाद जाता है कीनिया उधर जाके गोली ढूंढ के इमरान रियाज खान ने एजेंसियों का नाम लिख कर ये तासुर दिया लोगों को उकसाने की कोशिश की गाड़ियां तोड़ रही हैं तड़वा रही हैं आग लगवा रही ये वो वगैरह वगैरह यह इकरारुल हसन ने वीडियो में बोला और साथ उस वीडियो में ट्वीट चलाया इमरान भाई का फिर मैंने इसको दस लाख रुपए का चैलेंज दिया ट्विटर के ऊपर मैं आपको वो वो भी स्क्रीन शॉट या लिंक दे देता हूँ मैं कह मैं दस दस लाख रुपए इस शख्स को इनाम दूंगा इकरारुल हसन जो नाम है इसका मैं दस लाख रुपए इनाम दूंगा आप मुझे वो ट्वीट दिखा दें जिसमें बाकी ट्वीटों को छोड़ दें मैंने सिर्फ एक ट्वीट पकड़ा है इनका ये सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं ये वो आदमी है जो तीन दो दो महीने बाद किनिया जाके वो गोली ढूंढ लाता है लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ है वो ब्लूटूथ कनेक्ट कर देते हैं आप तो लाउड स्पीकर पर बात हो रही होती है तो मैं साथ मैंने सारी बातें सुने अब मुझे नहीं पता इमरान भाई इस बात पे मुझे डांटेंगे या क्या वो एक अलग चीज है लेकिन ये हकीकत है ये हकीकत बता रहा हूँ हसन से आपने ये पूछना है कि यह बात हुई कि नहीं हुई इमरान भाई ने जब इकरारुल हसन को रजीम चेंज के हवाले से सारा बताया तो इसने फिर इमरान भाई से माजरत टाइप जिस तरह बंदा थोड़ा सा होता है ना ले जैसे भजन मुझे नहीं पता था मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं आपके ऊपर तनकीद नहीं करूंगा इस तरह मतलब ये जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं इकरार हसन से भाई की जो बात हुई थी मैं साथ था बात क्या हुई थी कि इमरान भाई ने इकरार को ये बोला कि यार इकरार भाई आप मेरे भाई हो सारी जिंदगी मुझे मारना मैं उफ तक नहीं करूंगा लेकिन इस वक्त मुझे ना मारो बड़ी तकलीफ हो रही है मतलब श... तो वी लॉक में कहते हैं कि इमरान रियाज खान ने एजेंसियों का नाम लिख कर यह तासुर दिया लोगों को उकसाने की कोशिश की एजेंसियाँ गाड़ियाँ तोड़ रही हैं तड़वा रही हैं आग लगवा रही है, ये वो वगैरह वगैरह ये एक हसन ने वीडियो में बोला और साथ उस वीडियो में ट्वीट चलाया इमरान भाई का तो मैंने इससे पूछा मैंने एक ट्वीट किया मैंने इसको बोला कि आप मुझे वो ट्वीट दिखा दें जिसमें इमरान रियाज खान ने एजेंसी का नाम लिया है ये काफ़ी शोर चलता रहा मीडिया पे मेरा और इसका मैं आपको ये बता दूं तो उसका ये इस बंदे ने आज तक मुझे जवाब नहीं दिया इसका मुझे इनबॉक्स आया ट्विटर पे इसने मुझे मैसेज किया जी आपने इकरार का इसने मुझे मैसेज किया वो मैसेज भी पढ़े मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छा इन्होंने मैसेज किया कि जी देखें जी आपने वो तब मैं उम्र पे था कि आपने खाना खाबा के साथ अपनी पिक्चर उतारी हुई है और आपको इतना गुस्सा आता है जज्बाती है तरबियत ऐसी है ये है वो अपना मैं क्या यार मेरा वन पॉइंट एजेंडा है कि आपने ये बात की है कि इमरान रियाज खान ने एजेंसी का नाम ले कर लिख कर ये ट्वीट किए वो ट्वीट दिखा दें किधर है वो ट्वीट नहीं इसने मुझे दिखाई सवाल चना जवाब गंदम इसके कोई पंद्रह को बीस मैसेज मेरे इसके आपस में ज़्यादा होंगे या कम होंगे इसने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया उसके बाद इसने अगले दिन फिर थी इमरान बेबे की मैंने फिर इसको बोला मैं जी फिर मैंने इसको दस लाख रुपए का चैलेंज दिया ट्विटर के ऊपर मैं आपको वो वो भी स्क्रीन शॉट या लिंक दे देता हूँ मैं कह जी मैं दस दस लाख रुपए इस शख्स को इनाम दूंगा इकरार इकरारसन जो नाम है इसका मैं दस लाख रुपए इनाम दूंगा आप मुझे वो ट्वीट दिखा दें जिसमें बाकी ट्वीटों को छोड़ दें मैंने सिर्फ एक ट्वीट पकड़ा है इनका ये सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं ये वो आदमी है जो तीन दो दो महीने बाद केनिया जाके वो गोली ढूंढ लाता है लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ है मतलब शहीद अरशद शरीफ कतल होता है कत्ल हो गया मीडिया पे चल गया दो महीने गुजर गए ये बंदा दो महीने बाद किनिया जाता है ये पॉइंटर कुत्ता है या इसकी कोई पॉइंटर कुत्ते वाली तरबियत है माजरत के साथ कि ये दो महीने बाद जाता है किनिया और उधर जाके गोली ढूंढ के ला ले आता है ये लास्ट टाइम भी इसने इमरान भाई के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ इसने बड़े गलत गलत ट्वीट किए पार्टी के ख़िलाफ़ किए तो मेरा ख्याल है कि किसी के ऊपर बिला वजह तनकीद करके या इंतशार फैला के फेम नहीं लेना चाहिए इसकी अच्छी रिस्पेक्ट थी पहले अच्छी इज्जत थी अच्छा आ, ये बार बार इमरान भाई को ना बुलाने की कोशिश करते हैं इनको लगता है कि इमरान इमरान रियाज खान को ये ये जवाब दें अच्छा इमरान भाई कभी इसको जवाब नहीं देंगे ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ इमरान भाई से इस बात की आपने तस्दीक करनी है और इकरारन से भी आपने इस बात की तस्दीक करनी है जो मैं बात करने जा रहा हूँ इतफाकन इत्फा, नहीं ऐसा था कि ये एक साल के अंदर अंदर की दो बातें हैं और इतफाक ऐसा कि दोनों दफा हम कैठे थे अच्छा, हाँ दोनों दफा ये एक साल के अंदर अंदर दो इतफाक हैं। क्योंकि सैलाब जदगान का मामला जब हुआ तो मैं अपनी कंपेन भी करता रहा अपनी रैलियां भी अटेंड करता रहा अपने हल्के के लोगों को भी देखता रहा और इमरान भाई के साथ हम सलाबजदान की मदद भी करते रहे सबसे पहले तो जब ये रजीम चेंज हुआ तो इसमें ये बहुत सारी तनकीद करता था फिर इमरान भाई की इससे बात हुई इसने कॉल की या भाई ने कॉल की ये मुझे नहीं आ, याद नहीं लेकिन कोई मेरे ख़्याल कोई तीस पैंतीस मिनट ये बात हुई जिसमें इमरान भाई ने इसको सारा ब्रीफ़ किया बताया कि ये ऐसे था मैं इस चीज़ का गवाह हूँ ये हुआ वैसे वगैरह वगैरह तो इसको यकीन आ गया तसली होगी जब इमरान भाई ने इसके साथ आर्गमेंट्स किए कॉल पे तो इसको तसली होगी उसके बाद इकरारुल हसन को मेरा ये भी चैलेंज है इकरारुल हसन ने इमरान अच्छा गाड़ी में आ, वो ब्लूटूथ कनेक्ट कर देते हैं आप तो लाउड स्पीकर पर बात हो रही थी मैं साथ था मैंने सारी बातें सुनी हैं अब मुझे नहीं पता इमरान भाई इस बात पे मुझे डांटेंगे या क्या वो एक अलग चीज़ है लेकिन ये हकीकत है ये हकीकत बता रहा हूँ इकरारुल हसन से आपने ये पूछना है कि ये बात हुई है कि नहीं हुई इमरान भाई ने जब इकरारुल हसन को रजीम चेंज के हवाले से सारा बताया तो इसने फिर इमरान भाई से माजरत टाइप जिस बंदा थोड़ा सा होता है ना ले जैसे भाई जन मुझे नहीं पता था मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ आज के बाद में आपके ऊपर तनकीद नहीं करूंगा इस तरह मतलब ये जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं इकरार हसन ने अपने बेटे की कसम खाई थी अच्छा। इकरारुल हसन ने अपने बेटे की कसम खा के इमरान भाई को बोला था कि मुझे इन चीजों का नहीं पता था तो भाई ने बोला कि यार अगर आपको नहीं पता तो मुझसे पूछ लो यार आप मतलब जो भी कर रहे हो ये तो हो गया ये वाला उसके बाद जब शहीद अरशद शरीफ कतल हुए हैं तो इमरान भाई को शहीद अरशद शरीफ साहब की वालिदा मोहतरमा की कॉल आई तो मैं और इमरान भाई इस्लामाबाद शहीद अरशद शरीफ साहब के घर चले गए माँ जी ने मेरी मौजूदगी में इमरान भाई को खुद बोला इमरान भाई ने उधर कोई अपने नंबर बनाने के लिए वो उधर नहीं पहुँचे जबकि हर बंदे को जाना था या जाना जाना चाहिए था आपको भी जाना चाहिए था मुझे भी क्योंकि वो पाकिस्तान तो का एक साथ है बाकी तनकीद लड़ाई झगड़ा या बाकी मामला तो अपनी जगह है माँ जी ने बोला कि इमरान बेटा शहीद अरशद शरीफ चूंकि अब नहीं रहा तो आप भी मेरे बेटे हो तो आपने उनकी मैयत को लेकर आना है कैसे लेकर आना है मेरे पास वसायल नहीं है तो बड़ी शान शौकत के साथ आपने शहीद अर्शद शरीफ का जनाजा करवाना है वगैरह वगैरह शॉर्ट ये कि इमरान भाई सब सब दोस्त काशफ आबासी साहब बाकी भी, भी।, भी बहुत सारे दोस्त दिन रात सब दोस्तों ने मिल के अतरक आजमी साहब थे और सब दोस्त थे मतलब अब मुझे नाम याद नहीं बाकी मुराद थे मुराद सही थे, भी सही भी थे।, साथ भी थे सब सब दोस्तों ने मिल के मतलब जो जो कुछ कर सकता था सब ने वो किया ये बंदा एक दिन शहीद अरशद शरीफ के घर आज तक नहीं गया ये भी इसे पूछ लें इसकी मुनाफकत का रूज चेक कर लें कि ये उनके घर अफसोस के लिए नहीं गया चलें इसको भी साइड पे करें इन्होंने क्या किया इकरार इन उन दिनों में जिन दिनों में शहीद अरशद शरीफ की लाश अभी पाकिस्तान भी नहीं पहुँची इसने इमरान भाई का और जवेरिया भाभी का कोई आपस में कोई कोई था कोई आपस में कोई झगड़ा कोई ट्वीट के ऊपर कोई ट्वीट का या कोई लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा था कोई साल डेढ़ साल पुराना उसके बाद इनकी सुलह भी होगी मामला खत्म हो गए इस साहब को यह लगा कि अब यह ट्रेंडिंग में जाएगा इसको ट्रेंडिंग में रहने का शौक है चाहे गालियों में रहे ट्रेंडिंग में रहने का बहुत शौक है इकरारसन को अच्छा उसमें यह हुआ कि इसने वो इमरान भाई का जो इमरान भाई ने कभी जवेरिया भाभी के खिलाफ ट्वीट किया था जो अभी था कोई तनकीद थी या जो भी था उसने वो ट्वीट उठा के इकरारसन ने वो ट्वीट लगा के और साथ ही लिख दिया ये इमरान रियाज खान तब ये कहते थे आज ये हैं नंबर बना रहे हैं अब यार एक बंदा फौत कतल हो गया लाश उसकी किनिया में पड़ी है हम सबको मिलकर ये देखना चाहिए कि हम उसकी लाश किस तरफ पाकिस्तान ले आ सकते हैं वो और इसने उस, उस उस चीज़ को भी कैश किया और तनकीद कर दी इमरान भाई की फिर इससे बात हुई मेरा ख्याल वो कौन सा लड़का था साथ उसने कोई बात करवाई जो वो हसन ने इमरान भाई का और जवेरिया भा भाभी का जो नहीं बल्कि ये कट करें जी, जी। वो जो साल डेढ़ साल पहले इमरान भाई का ट्वीट जुवेरिया भाभी के खिलाफ था या जो भी था या उनका था वो बात खत्म होगी सुलह होगी रात गई बात गई साल डेढ़ साल गुजर गया इस साहिब ने सोचा कि चूंकि शहीद अरशद शरीफ कतल हुए हैं और जवेरिया भाभी का इनकी कोई तनकीद थी आपस में अब इमरान भाई बेहतर हैं तो मेरा ख्याल है अगर इसको मैं ट्वीट करूँगा कि पहले लड़ा, लड़ाई थी तो अब ये वो तो इसको ट्रेंडिंग में रहने का बड़ा शौक है बेशक लोग गालियाँ दें लेकिन ट्रेंडिंग में रहना चाहिए वो इमरान भाई की एक दोस्त था साथ हमारे पता नहीं क्या नाम था उनका उन्होंने इकरार से बात करवाई इमरान भाई की इकरार के कहने पे हुई या उन्होंने खुद करवाई कि यार ये हालात नहीं है इस वक्त लड़ाई झगड़ा करने के आप ये क्या कर रहे हैं इकरार हसन से भाई की जो बात हुई थी मैं साथ था बात क्या हुई थी कि इमरान भाई ने इकरार को ये बोला कि यार इकरार भाई आप मेरे भाई हो सारी जिंदगी मुझे मारना मैं उफ तक नहीं करूँगा लेकिन इस वक्त मुझे ना मारो बड़ी तकलीफ हो रही है मतलब शहीद अर्शद शरीफ कतल हो गया ये कोई छोटी मोटी या छोटा सा सानिया नहीं था तो इमरान भाई के जो अल्फाज थे वो बड़े अफसरदा लेजे में बात कर रहे थे कि यार इस वक्त ना मारो बड़ी तकलीफ़ हो रही है सारी जिंदगी मुझे मारना सारी जिंदगी मेरे ऊपर तनकीद करना मैं जवाब नहीं दूँगा मैं आगे से उफ तक नहीं करूँगा लेकिन अब ना मारो आपकी मेहरबानी मतलब ये भी कोई बीस पच्चीस मिनट बात हुई बड़ी तकलीफ से भाई ने बात की थी तो फिर इकरार ने वो ट्वीट डिलीट किया था यह भी पूछ लेना कि वो डिलीट किया था या नहीं किया किया तो क्यों किया इमरान भाई से क्या इसने वादा नहीं किया था कि मैं अपने बेटे की कसम खाता हूं कि मैं आज के बाद इस तरह का प्रोपोगंड ये वो नहीं करूंगा वो हो गया और इमरान भाई ने चूंकि उस दिन इससे वादा किया था कि सारी जिंदगी मेरे खिलाफ करते रहना जो मैं जवाब नहीं दूंगा उफ तक नहीं करूंगा इसलिए इमरान भाई जवाब नहीं दे रहे और ना इमरान भाई ने इसके खिलाफ जवाब देना है जो ये ट्वीटिंग करता है या वीडियो करता है जो भी करे इमरान भाई इसका जवाब नहीं देंगे ये मैंने अपने तौर पर आपसे ये डिस्कस किया है इमरान भाई मुझे इसके ऊपर डांटते हैं या जो भी होता है वो एक अलग चीज़ है लेकिन इस चीज़ का मैं ऐनी शाहद हूँ थैंक यू मैं बिल्कुल वाज़ कर दूँ कि मेरा इमरान भाई से छोटे बड़े भाइयों वाला ताल्लुक है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इमरान भाई मेरी सिफारिश करेंगे वो सके भाई की सिफारिश नहीं करते नहीं। वो साफत करें अपनी सहाफत कर रहे हैं वो इमरान भाई पाबंद तो नहीं है ना किसी के क्या वो पाबंद हैं या बाउंड हैं कि वो मेरा इंटरव्यू करेंगे या नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे करेंगे तो क्यों करेंगे ऐसा कुछ नहीं है आ, मेरी उसके बाद मुलाकात हुई थी इमरान भाई ने अवतार पार्टी रखी थी अवतार पार्टी में मुलाकात हुई थी लेकिन मुबारकबाद दी इमरान भाई ने नहीं बाकी सब दो सब दोस्तों ने दी मतलब ख़ाली इमरान भाई ने नहीं सब दोस्तों ने दी माँ जी ने मुबारक दी आ सब ने मुबारक दी बाकी मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं सब ने दी अब इमरान रियाज खान ने जब भाई हैं तो फिर वो सारी मेरी खुशी गमी में वो हर तरह शरीक भी हैं इमरान भाई के छोटे भाई हैं उस्मान भाई उस्मान भाई से मेरा काफ़ी पुराना ताल्लुक है रेस्लर हैं उस्मान भाई उस्मान बुलेट भी कहते हैं तो उस्मान भाई से मेरा पुराना ताल्लुक है और ज़ाहिर सी बात है जब उस्मान भाई को मिलने जाते हैं तो इमरान भाई से भी मुलाकात हो जाती है तो ऐसी मुलाकात हुई तकरीबन कोई पाँच छः साल तकरीबन। तो वो एक तीर से दो निशाने किए गए इमरान भाई की वजह से भी गिरफ़्तार किया दोनों हाँ दोनों दोनों, दोनों इमरान अच्छा वो करते हैं वो चरसी लावा करता है तो इसके अलावा तो कोई नहीं करता देखें अगर आपने एक ट्वीट किया 2014 का और आप उसमें लिखते हैं कि फस्तायत दो 2014 में भी थी या 2001 में भी थी और अभी भी वही फसद है तो आप वो पुराना ट्वीट भी अगर हो गया है तो फस्तायत का मतलब क्या होता है वो एक आप बता रहे हैं कि तब भी ये थी अब भी ये फसद है तो वो चीज़ गलत भी हो जाती है कोई फरिश्ता नहीं है कोई भी फरिश्ता नहीं है नहीं आप ट्विटर पर पूछ लें चर्सी लवा कौन है कौन 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 तनकीद करते हैं आप किसकी बात करते हैं चलें इकरार अहमद तो हाँ, हाँ, मीर की मैंने तनकीद अभी तक नहीं देखी की होगी लेकिन मैंने नहीं देखी मैंने नहीं देखी इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने नहीं की होगी इकरार की आपने बात की है इकरार ने एक ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने इकरार साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने लिखा बल्कि वीडियो एक वीडियो वीडियो पैगाम था मैं आपको वो वीडियो भी दे देता हूँ उस वीडियो में ये साफ फरमाते हैं ये उसको वी कहते हैं अपने उस वीडियो को